लाहौर में डॉल्फिन अहलकार की फायरिंग से जहनी माजूर नौजवान हलाक हो गया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं किया। डॉल्फिन अहलकारों पर इकदाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको हम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि लाहौर में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां एक जहनी माजूर नौजवान को डॉल्फिन अहलकार ने फायरिंग कर दी और वो हलाक हो गया। इस बारे में जानते हैं आबिद चौधरी से। आबिद, मनाजर हम भी देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, अजीब सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जहनी माजूर नौजवान से डॉल्फिन अहलकार ने खुद छेड़छाड़ शुरू की। बिल्कुल, आबिद चौधरी से भी राबता करेंगे, आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है, डॉल्फिन अहलकार की फायरिंग से जहनी माजूर नौजवान हलाक हो गया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं किया। आबिद चौधरी बताएगा मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया। हाँ बिल्कुल, नवाकोट के इलाके में वाकई पेश आया था, जहां पर डॉल्फिन अहलकार की फायरिंग से नीम भागल शख्स जो है वो जामबक हो गया था। पुलिस ने मेयर के कत्ल का मुकदमा दर्ज ना किया, अलबत्त पुलिस अफसरान बेटी भाई को बचाने में मसरूफ है। पुलिस ने डॉल्फिन अहलकार पर हमले का मुकदमा इकदाम कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर लिया, जिसमें यह बताया गया है कि अहलकारों ने अपने दफा में गोली चलाई, जबकि नीम भागल शख्स को रोका तो शुरू से बात कर दिया, जिसके बाद डॉल्फिन अहलकार जख्मी हो गए। लेकिन दर्ज होने वाले मुकदमे में मेयर के कत्ल का जिक्र नहीं किया गया। तमाम तरबियत सबूत के बावजूद पुलिस ने मेयर के कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद ताहाल मकसूद का पोस्टमार्टम का अमल जो है वो भी नहीं शुरू हो सका। शुक्रिया आबिद चौधरी।